अभी देखो अपने पंचायत जी और जयतापगढ़ जी ने आज मिल के वाचनालय शुरू किया है। अपने राष्ट्रवादी लोगों को बैठने मिलेगा या बात करने मिलेगा, इसके लिए उनके वो दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तरफ मीरा भाईंदर शहर मुफ्त वाचनालय का उद्घाटन हुआ, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? सर, शुरुआत तो अच्छी हुई है। यहाँ पे स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पांचाल जी और प्रभाग अध्यक्ष निमेश खेड़कर जी और महाराष्ट्र प्रदेश के प्रतिनिधि और यहाँ के निरीक्षक जिनको जिम्मेदारी दिया हुआ है वो राजेंद्र जयतापकर जी और उनके सहकारी सभी ने जो आज यहाँ पे मुफ्त वाचनालय यहाँ पे लोगों को सामान्य जनता को ओपन करके दिया है, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ के स्थानीय ब्लॉक अध्यक्षों को और उनके पूरे सहकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अच्छा काम एक शुरुआत किया है उन्होंने है। आज मुफ्त वाचनालय ऐसे मीरा भाईंदर में बहुत है, बड़ी बड़ी जगह वाचनालय के नाम पे लेके हड़प करने का और वो कहाँ ना कहाँ अपना धंधा पानी चलाने का, ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्थानीय बीट चौकी के बाजू में ही एक छोटा सा वाचनालय यहाँ पे रख के आज अच्छे पेपर्स जो न्यूज़ मतलब देश में महाराष्ट्र में मुंबई मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है वैसा ये पत्रकारी के हिसाब से अच्छा शुरुआत इन लोगों ने किया हुआ है और सामान्य जनता इसका लाभ ले, यही मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, कहना यही चाहूँगा कि यहाँ पे लोकल लोगों का बहुत ये था, मत था कि यहाँ पे कोई लोकल वाचनालय यहाँ भी पूरे एरिया में नहीं था, 15 नंबर 17 नंबर में ब्लॉक में। तो सब लोगों का यही कहना था कि कोई यहाँ पे बैठक भी होवे और एक मतलब बैठक का जरिया एक होना चाहिए कि किस वजह से लोग यहाँ पे बैठे, उसके लिए मैंने वाचनालय का ये सोचा और मुझे सपोर्ट अच्छा मिला हमारे जिला प्रेसिडेंट से और जयतापकर जी से कि उन्होंने मुझे सलाह दिया कि ऐसा कीजिए कि पब्लिक भी मतलब आपसे जुड़ी रहे और पब्लिक को अच्छा भी लगे। तो इस हिसाब से मैंने आज वाचनालय का उद्घाटन किया है और फ्यूचर में भी ऐसे अच्छे से काम करते रहूँगा और इसमें सहयोग मुझे हमारे जो प्रभाग प्रेसिडेंट है निमेश कक्कर जी उनका बहुत सारा सहयोग मिला है क्योंकि ये बिल्डिंग में वही रहते हैं और उनके बिल्डिंग से ही हम लोग ये ओपनिंग कर रहे हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है, ये लोकल में अपना आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है मनोज जी उन्होंने चालू किया है, लोगों को उसका फ़ायदा होगा, जो बुजुर्ग है इधर आके बैठेंगे पढ़ेंगे और इसका सबको फ़ायदा होगा।